वालेकुम एमएन 24 न्यूज एचडी के साथ मैं राबिया अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान के मामले खसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि मरियम सफदर ने सैफुल मलूक खोखर को अपना सरमाया करार दिया तो दुरुस्त कहा। इमरान खान आ गया है, अब गरीब का घर बनेगा, हम गरीबों के घर बनाकर दिखाएंगे, अब खोखर पैलेस और जाति इमरान पैलेस नहीं बनेंगे। इंतखाबात ओपन बैलिंग के जरिए कराने से मुतालिक आईनी तरमीम नाकाम बनाने के लिए अपोजिशन ने कोशिशें तेज कर दी। डिप्टी चेयरमैन सैनेट सलीम मांडवी वाला कहते हैं कि वो नहीं चाहते कि चेयरमैन नैब इस्तीफा दे, ताहम नैब को किसी मालिया ठेले वाले के अकाउंट पर एतराज नहीं होना चाहिए। सिंध हुकूमत की जानिब से बॉक्स बे साहिल पर 3 स्टार होटल और हट्स बनाने के लिए निजी सरमायाकारों को मदद करने का मंसूबा। इस सिलसिले में साहिल पर मौजूद 254 हट्स की लीज मंसूख और इन्हें खाली करवा कर मस्मार कर दिया जाएगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की तफसीलात शामिल करेंगे एक वक्त के बाद। मुस्कुराने की वजह तुम हो, किया जाए ना जाए ना जाए ना। अब भाई नवी मोड़ दिया गली दिखा प्रशांत चल गया, मैं कहता किधर कहता शाह चेक करने। ओ यार इन्हें भी नवी मोटरसाइकिल, इन्हें भी नवी नवी मोटरसाइकिल ले जाती रात को पेट्रोल की जगह पानी पै जाए। एक बंदा कहता खैर है, कहता चुप कर जा, इन्हें क्या पता लगे। खुश आमदी। सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान के मामले खसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि अब खोखर पैलेस और जाति उमरा पैलेस नहीं बनेंगे बल्कि गरीब का घर बनेगा। लाहौर में अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज गिल का कहना था कि कल मरियम सफदर ने सैफुल मलूक खोखर को अपना सरमाया करार दिया तो दुरुस्त कहा, क्योंकि वो जिस बाप की बेटी है उनका सरमाया चोर डाकू और कब्जा माफिया ही हो सकता है। शहबाज गिल का कहना था कि अब खोखर पैलेस और जाति उमरा पैलेस नहीं बनेंगे, इमरान खान आ गया है, अब गरीब का घर बनेगा, हम गरीबों के घर बनाकर दिखाएंगे। उनका मजीद कहना था कि आसान शराब पर पैसे देंगे, मोटी गर्दन वाला ही टैक्स चोरी करता है। ख्याल रहे तो गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी ऐसी तकरीब से खिताब करते हुए खोखर पैलेस के गिराने पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुस्ताह की तारीफ की थी। आगे बढ़े अब आपको बताएं कि सेंट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने से मुतालिक आईनी तरमीम नाकाम बनाने के लिए अपोजिशन ने कोशिशें तेज कर दी। सेंट इंतखाबात से मुतालिक पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI के रहनुमाओं के आपस में राबते हुए, जिसने दोनों इवानों से तरमीम की मंजूरी रोकने की हिकमत अमली पर गौर किया गया। जरा का बताना है कि अपोजिशन ने फैसला किया कि सैनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक आर्मी तरमीम को दोनों ईवानों से मंजूर होने दिया जाएगा।
जरा के मुताबिक पीर पर होने वाले कौमी असम्बली के इजलास से कबल अपोजिशन जमातों में इस हवाले से मजीद मुशावरत होगी। जरा का कहना है की पीपल्स पार्टी ने आईनी तरमीम की मुखालफत का दो तो फैसला कर लिया और पीपल्स पार्टी के रहनुमा श्री रहमान का कहना है की हुकूमत का तरमीमी बिल जल्दबाजी और बदनीयती पर मबनी है। वज़ीर आज़म ने अरकान को तरक्याती बजट नहीं रिश्वत दी। आगे बढ़े अब आपको बताएं कि बतौर चेयरमैन सैनेट सलीम मांडवी वाला कहते हैं कि वो नहीं चाहते कि चेयरमैन अब इस्तीफा देता। हम मैं को किसी माली या ठेले वाले के अकाउंट पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। कराची चैम्बर आमद पर मीडिया से गुफ्तगू में बैठे चेयरमैन सैनेट और पीपी सेनेटर सलीम मांडवी वाला कहते हैं कि नॉन बिजनेसमैनों की हरासगी बंद करे। बैंक के सदर भी इस सूरत हाल से परेशान है। अगर किसी छोले वाले का अकाउंट है तो आपको इसमें क्या मसला है? सलीम मांडवी वाला ने कहा कि मेरे पास नैब से मुतल्लिक बहुत शिकायत आती है। नैब को प्राइवेट सेक्टर की तरफ नहीं आना चाहिए। नैब की मुदाखलत पर ना कोई खरीदो फरोख करेगा ना पैसे बैंक में रखेगा। जीरो रिटर्निंग का मामला हल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चालू अकाउंट की ब्रीफिंग कौन अदालत को देगा? बैंक में खुलने वाला कोई अकाउंट चालू नहीं होता। सिस्टम की खराबियां हैं, इन्हें दुरुस्त करें। सैनेट इलेक्शन से मुतालिक सैनेट इलेक्शन से एक महीने पहले तरमीम लाना दुरुस्त फैसला नहीं। तरमीम रातों रात नहीं होती, इस पर बहस होती है। हुकूमत सिंध की जानिब से होक्स में साहिल पर बने हर्ष मसमार करने का फैसला। साहिल समुंदर पर केआरसी की इस पट्टी की लंबाई 5 किलोमीटर और इसका कुल रकबा तकरीबन 387 एकड़ बनता है, जबकि इससे मुतसिल साहली हिस्से के पीटी और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की मलकियत है। साहली जमीन पर AA1 और S सीरीज में मुंतसिम है और इनमें से A सीरीज में वो प्लाट्स शामिल है जो N सामने की तरफ है, जबकि दीगर दो सीरीज इसके अकब में है। हुकूमत सिंध के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट के डायरेक्टर जनरल तारिक महमूद शेख ने तस्दीक की है की इस तरक्याती मनसूबे पर अमल दरामद इनकार यूनिट करेगा। इनका मजीद कहना था की हुकूमत साहिल समुंदर की तरक्की के लिए फिजिबिलिटी प्लान तैयार करने के लिए एक कंसल्टेंट की खिदमत हासिल करेगा। इनका मजीद कहना था की ये एक तवील अमल है और इसकी तैयारी में कम अज कम 6 माह लग जाएंगे। प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत होने वाले तरक्याती कामों का तरीकाकार हुकूमत के इन मनसूबों से मुख्तलिफ होता है, जिसके तहत वो खुद पैसा लगाकर कोई प्रोजेक्ट तामीर करती है। मिसाल के तौर पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अगर कोई मोटरवे बनता है तो इसके लिए मुतलिका प्राइवेट कंपनी खुद पैसा लगाती है, जिसे वो गाड़ियों पर टोल टैक्स लगाकर वसूल करती है, जबकि इसमें हुकूमत का किरदार एक निगरान के तौर पर होता है। होक्स बे के मनसूबे के लिए हुकूमत इसकी लागत का तखमीना और स्टडी रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसके बाद सरमायाकारी के लिए टेंडर तलब किए जाएंगे और फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट का पॉलिसी बोर्ड मौजूद सरमायाकार का इंतखाब करेगा। खालिद महमूद शेख के मुताबिक मनसूबे का मकसद लोगों को साहिल पर इन सहूलियात की फराहमी है जो दीगर ममालिक में मुयसर है। इनका मजीद कहना था कि ये सहूलियात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट के इस मनसूबे के तहत लोगों को कराची में ही मुयसर होंगी और इन्हें साफ सुथरे साहिल से लुत्फ अंदोज होने के लिए थाईलैंड और दीगर ममालिक जाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। केएमसी के एडमिनिस्ट्रेटर लाइक अहमद ने बताया कि साहिल समुंदर की साइट की कीमत का तखमीना लगाने के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नटेंसी फॉर्म की खिदमत हासिल की जाएंगी। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए NN24 HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर आपके साथ।